नाउ इट्स द टाइम फॉर वीज़ा, और वीज़ा से रिलेटेड काफ़ी सारे वो छोटे मोटे चेंजेस हो रहे थे, बहुत सारे आपके भी डाउट्स थे, तो इस वीडियो को हम लेकर आ गए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको चार पांच कुछ अपडेट्स पर बात करने वाला हूँ, अलॉन्ग विथ वो आपने सुना होगा शायद कि अब दिल्ली में आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए, सो इन सब पर करेंगे बात, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, अपडेट नंबर वन, स्ट्रेट टू द पॉइंट, स्टार्ट करते हैं हम दिल्ली एम्बेसी से। और जो आपने सुना है कि वो B2 लेवल की प्रोफिशिएंसी आपको शो करनी है इंग्लिश लैंग्वेज की, उसके लिए आप क्या करेंगे? वेल, आंसर इज़ वेरी सिंपल। अगर आपके पास MOI है, ऑफकोर्स नाउ यू नो अबाउट MOI, आपने एप्लीकेशन भी करी है, फिर भी इस बार इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। इफ़ यू नीड MOI आपके पास है तो MOI के बेस पर आप आपका प्रोसेस करवा सकते हैं। दैट मीन्स आपने आपका 12th या अगर आपने बैचलर्स किया है तो वो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में किया है, दैट मीन्स आपका B2 लेवल वाला ये जो प्रॉब्लम है दिल्ली के लिए सॉल्व हो जाएगा। सो आप इवन ऑफ इंस्टेड ऑफ IELTS यू कैन प्रोवाइड योर MOI सर्टिफिकेट फॉर दिस प्रोसेस। नाउ द सेकेंड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बिल्कुल कॉमेंट्स में भी काफ़ी आ रहा था कि आप क्या बोल रहे हैं, वो आप तो बोल रहे हैं कि DOV को स्लॉट्स ओपन हो गए हैं बैंगलोर के लिए, वहाँ तो स्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं है। वेल येस, DOV स्लॉट्स आर ओपन फॉर बैंगलोर, बट ये जो स्लॉट्स है ये कुछ इंटरवल्स में आ रहे हैं, दैट मीन्स जब आपने देखा तब बंद थे, अब कुछ दिन बाद वापस से ये ओपन होंगे, फिर थोड़े टाइम तक चलेंगे, फिर वापस बंद हो जाएंगे। दिस इज़ हाउ बैंगलोर कॉन्सुलेट इज़ वर्किंग करेंटली। सो इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी क्या करूँ मैं, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेगुलरली वो वेबसाइट को चेक करना है, बिकॉज देर इज़ नो सच इन्फॉर्मेशन फॉर नाउ कि वो आप कब ओपन होंगे। हालांकि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि हम वो अपडेट लेकर आ जाएंगे जैसे ही वो ओपन होंगे, बट करेंटली आप इतना समझिए कि जब ये इंटरवल में हो रहा है, तो अब जब नेक्स्ट इंटरवल में ये ओपन होगा तब आपको अप्लाई करना है DOV के लिए। सो करेंटली आप थोड़ा वेट करिए, आप वेबसाइट को रेगुलरली चेक करिए, एंड यू विल गेट दी अपडेट कि कब ये वापस से ओपन होने वाले हैं, एंड यू कैन डू योर DOV प्रोसेस अगेन। नाउ वीज़ा में एक चीज़ और हो रही है इस साल की, यार वो वीज़ा के क्वेश्चंस की हम बात करें ना, तो ये कुछ चार पांच बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो इस साल बहुत पूछे जा रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ मैं, दिस इज़ नॉट रिटर्न समवेयर, सो बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। सबसे पहला कि आपको इटली ही क्यों जाना है, इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से कि आपको इंजीनियरिंग करना है, तो इंजीनियरिंग तो आप इंडिया में भी कर सकते हैं, सो व्हाई ऑन अर्थ यू वांट टू गो टू इटली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो रहा है, ये कोर्स रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है कि आप इंजीनियरिंग जब इंडिया से कर सकते हैं तो आपको इटली से क्यों करना है, वो यहाँ पे आपको बहुत डीप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, सो यू शुड हैव रियली गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसके लिए आप बैकग्राउंड समझिए, कोर्स के बारे में समझिए, एडवांटेजेस देखिए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर पर ध्यान दीजिए, ये सब बातें करिए, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे भी पूछे जा सकते हैं। नाउ द सेकेंड इज़ अबाउट स्पॉन्सर डिटेल, ये स्पॉन्सर डिटेल से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। द फर्स्ट इज़ वो आपके स्पॉन्सर कौन है, ये भी पूछा जा रहा है, बेसिक है यहाँ तो आप बोल सकते हैं, उनकी इनकम कितनी है, और वो जो इनकम का जो अमाउंट है वो एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट अमाउंट, 442,412, जितना भी आपका अमाउंट है एग्जैक्ट नंबर्स में उनको चाहिए, यू कैन नॉट से अराउंड 12 lakhs और समथिंग, वो एग्जैक्ट नंबर आप याद रखिए, इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन आउट ऑफ यू। Another thing, everything should be as per your ITR. आप जो family income बोलने वाले हैं ITR को देखिए, ITR में कितना लिखा है आपने, 4 lakh लिखा है, 6 lakh लिखा है, जो भी है उसके बेस पर ही बात करें प्लीज़, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके ITR से रिलेट करके ही बातें करें, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन आप देते हैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट से, इट विल बी प्रॉब्लम। एंड हमने जैसे पुराने वीडियोज़ में भी बहुत बार बोला है, कवर लेटर और आपके डॉक्यूमेंट्स घोल कर पी लीजिए, एज सिंपल एज दैट, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको याद होने चाहिए, और उसी का एक एग्जाम्पल ये ITR में जो फैमिली इनकम है वो है। सो ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें वो एग्जैक्ट नंबर्स या एग्जैक्ट डेटा को आपसे वेरीफाई करवाएं, सो यस, इसीलिए बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखिए एंड मेमोराइज और व्हाट्स एवर, बट यस, ये डिटेल्स याद रखिए एज पर योर डॉक्यूमेंट्स। नाउ अनदर थिंग कैन बी अबाउट योर कोर्स, टू वो कोर्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। अब कोर्स के बारे में अगर कुछ नहीं पता है, सिलेबस और ये कुछ नहीं पता है, तो ये वीडियो चेकआउट करिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने बताया है कि आप वो स्टडी प्लान कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके बेस पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टडी प्लान करिकुलम आप जो भी कहें, फर्स्ट थिंग ये। अदर आपके कोर्स से रिलेटेड वो ट्यूशन फीस भी पूछ सकते हैं, इसके लिए आप आपकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें यूनिवर्सिटी की, वहाँ अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल रही है, यूनिवर्सिटी को मेल करिए कि सर मैम दिस इज़ माई कोर्स और इस कोर्स की क्या फीस है, मुझे ये जानना है फॉर माई वीज़ा पर्पस एंड ऑल दैट स्टफ। अदर देन दैट, अभी तक आप वीज़ा प्रोसेस तक पहुँच गए हैं, दैट मीन्स आपसे ये भी पूछ सकते हैं,
चांसेस आर कि आपसे पूछेंगे कि अभी तक का आपका प्रोसेस कैसा रहा है, कैसा रहा इन द सेंस आपने प्रोसेस में अभी तक क्या क्या किया है। दैट मीन्स आपकी थोड़ी वो पुरानी इन्फॉर्मेशन जो एक दो महीने से आप प्रोसेस करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन और ये सबको भी थोड़ा ध्यान में रखिए, एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, देन डी ओ वी एंड देन वीज़ा, तो ये थोड़ा बहुत आप ये भी ध्यान में रखिएगा। इस प्रोसेस से बारे में भी वो आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ द लास्ट अपडेट ऑफ दिस वीडियो इज कि यार एक चीज़ बहुत हो रही है इसमें, चांसेस आर कि आपके साथ भी हो सकती है, आपकी जो अपॉइंटमेंट डेट है वीज़ा की वो डेट ही चेंज होती जा रही है। नाउ दिस इज़ बिकॉज कि जो आपका VFS ग्लोबल है, जो आपका सेंटर है, वो डेट्स को प्रीपोन कर रहे हैं या पोस्टपोन कर रहे हैं। दैट मीन्स लेट अस से कि मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो 30 जून का है, नाउ दे माइट आस्क मी टू कम फॉर माई वीज़ा ऑन 29th June, या वो बोल सकते हैं कि आप 1 July को आइए। डेट्स कैन ऑल्सो भी चेंज अलॉन्ग विद टाइम भी चेंज हो सकता है। लेट अस से आपका 12 बजे का टाइम था, अब ये बोल रही है कि आप 11 बजे ही आ जाइए। सो ये आपको कैसे पता चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको पता चलेगा आपके मेल पर, आपके मेल पर आप एक्टिव रहिए, रेगुलरली चेक करिए कहीं आपको तो इन्होंने प्रीपोन या पोस्टपोन नहीं किया अपॉइंटमेंट डेट को, ये ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड इन केस अगर आपके साथ भी ये सीन होता है तो प्लीज़ आपके मेल की कॉपी, फोटोकॉपी लेकर, हार्ड कॉपी लेकर जाइएगा साथ में, जस्ट टू शो कि सर मेरी आज ये डेट प्रीपोन हो गई थी इसलिए मैं आज आया हूँ, मेरी बुकिंग आज की नहीं है, बट बिकॉज मेरा ये प्रीपॉन हो गया था ये मेल, वो उसका प्रूफ है, सो हियर आई एम फॉर माई वीज़ा अपॉइंटमेंट। इस चीज़ का ध्यान रखिए, प्रीपॉन पोस्टपॉन दोनों हो सकता है, ईमेल्स चेक करते रहिए इन केस इफ आपके साथ होता है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू। एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट सिंपली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।